या तो किसी ऐसे स्टेट में जा रहे हो जैसे केरला गए, अब आपको उनकी लैंग्वेज नहीं आती, तो फिर आप कैसे बात करोगे वहां के पेशेंट से, है ना? या अगर आप कंट्री के बाहर जाते हो, आपको किसी और कंट्री जाना है, देन यस यू नीड इंग्लिश। और समहाउ हमारा जो यूथ है वो ऐसा फील करता है, अगर हम इंग्लिश में बात कर सकते हैं तो हम थोड़ा सुपीरियर, ऐसा कुछ भी नहीं है ना? ऐसा कुछ नहीं है। आप हिंदी, आप अच्छी हिंदी बोलने में प्राउड फील करो। सो यू नो आई आई नीड टू क्लैरिफाई दिस कि मैं भी यूपी बोर्ड की पढ़ी हूँ, मैंने कोई इंग्लिश मीडियम में क्वालिफिकेशन नहीं किया, बट आई वॉज लकी इन अ वे कि जो मेरे पापा थे वो हमेशा बचपन से इनकरेज करते थे कि टू हैव अ गुड एक्सेंट। यू नो जैसे हम लोग अगर पढ़ रहे हैं तो बोलेंगे जनवरी फरवरी, वो कहते थे नो इट्स कॉल्ड जनवरी फेब्रुवरी। यू नो तो इवन दैट टाइम ही यूज टू करेक्ट अवर प्रोनाउंसिएशन। लेकिन हमने भी इंग्लिश में कभी बात ही नहीं करा था जब तक वहाँ आरएके कॉलेज में पढ़ने नहीं गए, मास्टर्स करने गए। अगर क्लास में लेक्चर लेना तो इजी है, वो तो बुक से पढ़ के लिख लिया और वही बोल दिया और बीच बीच में हिंदी भी बोल दी तो काम चल जाता था। लेकिन जब वहाँ आरएके कॉलेज गए तो वहाँ तो दिल्ली वाले थोड़ा एटीट्यूड, यू नो सो वहाँ पर इंग्लिश चलता है ज्यादा। फिर आई एम लकी कि वहाँ पर ऐसा हुआ, अदरवाइज मैं आयरलैंड में कैसे सरवाइव करती। सो आपका क्वेश्चन जो है कि कैसे अपनी एक तो इंग्लिश को पहली बात हवा मत बनाओ, उसे डरो मत, इट्स अ ब्यूटीफुल लैंग्वेज लाइक अवर हिंदी, इट इज ऑल्सो अ लैंग्वेज। दी ओनली थिंग इज कि हम क्यों नहीं बोल पाते, क्योंकि हम उसे प्रैक्टिस नहीं करते इनफ। सो देर इज नो अदर शॉर्टकट, प्रैक्टिस 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 प्रैक्टिस, सो प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। तो उसके दो तरीके मैं आपको बताऊंगी। पहला तरीका तो ये है कि आप